देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम ऊंचा करने का काम किया है, हिंदू धर्म के लिए जो काम किया है, देश की सुरक्षा के लिए जो काम किया है, देश का बच्चा बच्चा उसे जानता है और सब मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित। नीतीश कुमार जी का एक ही एजेंडा बच गया है कि मैं देश का प्रधानमंत्री कैसे बनूं। अरे भाई, कोई उनको समझाए, कोई उनको बताए, उनके साथ के लोग उनको बताएं कि जिस पार्टी का लोकसभा में 1-2-3 सीट आना भी कठिन दिख रहा हो, वो प्रधानमंत्री कैसे बनाएगी। इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं ऋतुराज जी। आप जिस तरह से आज बैठक हुई, बैठक में क्या कुछ चर्चाएं हुई, क्या लगता है कुनबा और बीजेपी का मजबूत हो रहा है धीरे धीरे बिहार में? बीजेपी का कुनबा रोज मजबूत हो रहा है और हम बिहार में देख रहे हैं कि जगह जगह से लोग, अन्य पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए लाइन लगा के पहुँच रहे हैं। कहाँ पहुँच रहे हैं? इसलिए पहुँच रहे हैं क्योंकि सबको स्पष्ट दिखता है कि देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने वाली है। प्रचंड बहुमत से 2024 में नरेंद्र मोदी जी पुनः सरकार बनाएंगे। उन्होंने जो गरीब कल्याण का कार्य किया है, उन्होंने जो देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम ऊंचा करने का काम किया है, हिंदू धर्म के लिए जो काम किया है, देश की सुरक्षा के लिए जो काम किया है, देश का बच्चा बच्चा उसे जानता है और सब मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर्नाटक दौरे पर हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री का काम छोड़ के हर एक काम में ज़्यादा रुचि है। नीतीश कुमार जी का एक ही एजेंडा बच गया है कि मैं देश का प्रधानमंत्री कैसे बनूं। अरे भाई, कोई उनको समझाए, कोई उनको बताए, उनके साथ के लोग उनको बताएं कि जिस पार्टी का लोकसभा में 1-2-3 सीट आना भी कठिन दिख रहा हो, वो प्रधानमंत्री कैसे बनाएगी। तो कम से कम बिहार की जनता का समय बर्बाद न करें। अगर उनको यही काम करना है, ओपोजिशन एकता के नाम पे देश भर घूमना है, तो बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़े, कोई दूसरा व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री का दायित्व ले जो बिहार के लिए समय से काम करने को इच्छुक हो। राजद कह रहा है कि केंद्र में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो जिस तरह से CBI और ED का इस्तेमाल बीजेपी कर रहा है, आगे वो दिन दूर नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, RJD, JDU, महागठबंधन, इनका सुपड़ा साफ होने वाला है बिहार में। और आप देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को 40 में 40 सीटें आएंगी और हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे मोदी जी की सरकार बनाने के लिए। निश्चित तौर पे। तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कहना था बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा का, जिन्होंने साफ तौर से भविष्यवाणी किया है और कहा है कि आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और यही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सुफड़ा साफ हो जाएगा। जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर्नाटक दौरे पर हैं और बिहार में राजनीति जो है इसको लेकर हो रही है, ऐसे में आज बीजेपी का कार्य समिति का जो है प्रदेश कार्य समिति का बैठक हो रहा है। बैठक में तमाम जो नेता हैं वह यहाँ उपस्थित हैं। ऐसे में ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि जिस तरह से हमें कार्यक्रम के लिए ऊर्जा ऑडिटोरियम में रोका गया है, ये खामियाजा आगे चल करके भुगतना ही पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी का कुनबा जो है हर रोज मजबूत हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फॉर्मेशन के साथ, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए।